दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूं, एक मेरा दोस्त का स्कूल है, छोटा भाई का स्कूल है, वहां पे झंडा दोलन वहीं पे होगा, तो मैं वहीं अभी जा रहा हूं और दिखाता हूं वहां का नज़ारा। उसके बाद हमारे यहां जो एक फील्ड है, वहां पे इसी स्कूल के बच्चे और इसी स्कूल के जो स्थापक है, वहाँ पर टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो फिर मैं वहाँ लेके चलूँगा। पहले चलता हूँ, झंडा तोलन करवा होता है वहाँ, उसके बाद चलूँगा फिर मैं वहाँ। क्या भाई,
झंडा फहरा दी बेटा। तुमने दौड़ती कहानी है अब बचिए मात्र तीन टेबल और चार लोग एक और बस ठीक है चलो रेडी जल्दी चलो चलो अभी 10th क्लास की बच्चियों का होने वाला है सुई धागा रेस। हाँ ये देखो रूल है, यहाँ से दौड़ के जाएगा सब अपना अपना सुई धागा हाथ में उठाएगा, उसके बाद जो जल्दी से मतलब सुई में धागा एक कर देगा समा देगा उसके बाद वहां से दौड़ के यहाँ आएगा। ठीक है पहले जाना है वहां सुई धागा उठाना है उसको डालना है उसके बाद वापस यहाँ आना है। ठीक है रेडी ए तुम लोग वहां से साइड हो जा, अरे ये सब का कहना है तुम लोग पीछे हो जाओ थोड़ा। चलो 1 2 3 चलो जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। चलो ये इधर आओ इधर इधर इधर, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड।
जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अरे मर के आना जाओ। स्वीटी कुमारी इन्होंने अभी क्या उपस्थित नहीं है। स्वाति कुमारी ये तृतीय छात्र आपकी है, कुर्सी रेस के लिए क्लास आए नहीं छात्र है ना,
क्लास नाइन और क्लास टेन के बीच में कबड्डी हुआ था, जिसमें क्लास नाइन की टीम क्लास नाइन लड़कियों की टीम विजेता बनी, जिसमें मैं बारी बारी में करना चाहूंगा डायरेक्टर महोदय और अन्य शिक्षकगण के माध्यम से स्कूल प्रांगण में प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।